एफएनओ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिंपी कलरा। तो ट्रेंडिंग स्टॉक्स का इस समय समय हो गया। वायदा बाजार के अंदर जो भी उतार चढ़ाव हो रहा है हम आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। हमारे दो हिस्सों में कार्यक्रम बटा हुआ है, पहला है इंडेक्स, दूसरा है शेयर्स। तो इंडेक्स के अंदर क्या करना चाहिए, निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर कोशिश ही हम आपके सामने रोज करते हैं, बताते हैं। और इंट्राडे का भी होता है, स्विंग भी हम रखते हैं आपके सामने, और काफ़ी हद तक हमारी कोशिश होती है कि आपको वो सारे लेवल्स बता दें ताकि आप उन्हीं सभी लेवल्स के बेसिस पर अपनी रणनीति को तैयार कर पाए। आपको कन्विक्शन भी बताते हैं, आपको उसकी पावर भी बताते हैं, आपको साथ साथ ये भी बताते हैं कि आपको ट्रेड और कब और किस रूप में लेना है। ये इंडेक्स की बात। फिर हम ट्रेंडिंग स्टॉक्स के सिलसिले को शुरू करते हैं, जिसमें हम ये आपके सामने रखते हैं कि दो चार शेयर जो हम अपनी तरफ से रिसर्च करके लेके आते हैं वो, और दो चार शेयर एक्सपर्ट आपके सामने रखते हैं। हमारी कोशिश होती है 5 से 6 शेयर आपके सामने रोज़ रख दिए जाएँ, और इन्हीं 6 शेयरों की बदौलत आप अपना पोर्टफोलियो को काफ़ी अच्छे से बना पाएँ। खैर, हम आगे बढ़ रहे हैं और फटाफट से पहले 5 बड़ी बातों से शुरुआत करते हैं, फिर निफ्टी की ये फ्यूचर्स की प्लेट आपके सामने वापस से लेके आएंगे, बैंक निफ्टी की भी लेके आएंगे। लेकिन पहली बड़ी बात, रिकवरी जोरों पर है, 18,150 के आसपास स्पॉट है, क्योंकि अब 40-50 पॉइंट का प्रीमियम है, तो इसलिए 18,200 फ्यूचर से पार हो रहा है बार बार, लेकिन अभी स्पॉट से नहीं हुआ है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, निफ्टी बैंक 43,400 के आसपास कर रहा है, 12 में से 7 शेयरों में बढ़त मार्केट के अंदर देखने को मिल रही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले 3 दिन से निफ्टी 18,000, बैंक निफ्टी 43,000 के ऊपर है। जो हम प्रॉफिट बुकिंग की बात कर रहे हैं वो इसको हिला भी नहीं रही है, ना ही इस लेवल को टेस्ट करवा रही है, बल्कि अब तो ये बात हो रही है कि हो सकता है कि ऊपर के लेवल 43,500 ब्रेक हो जाए और वहाँ पे 18,200 ब्रेक हो जाए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, मेटल, सरकारी बैंक और फार्मा शेयरों में खरीदारी है। फार्मास्यूटिकल्स के जो शेयर है ना, वो आप थोड़ा ध्यान रखा कीजिएगा। जब भी मार्केट के अंदर आपको थोड़ा लीन लगे ना मैटर, या फिर थोड़ा डल लगने लग जाए, तो फार्मास्यूटिकल्स के अंदर बिना सोचे समझे अच्छे शेयर्स को देखें आप और उसके अंदर आ जाए। कल भी हमने आपको 2-4 शेयर नोटिस करवाए थे, उसमें से सिप्ला एक है, मेरे को अच्छे से ध्यान है। आगे बढ़ते हैं, मिड कैप में थोड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। ABB, M&M फाइनेंस जैसी कंपनीज के जो नंबर्स आए हैं उसकी वजह से शेयर करीब 5% ऊपर है। और एक और बात, नंबर्स अगर अच्छे आ रहे हैं तो इस बार मार्केट रिवॉर्ड कर रहा है। टिपिकली कई बार ऐसा समय भी होता है जब नंबर अच्छे नहीं आते तो मार्केट भी उसको रिवॉर्ड नहीं करता, अच्छे आने पर भी मार्केट को ज़्यादा नहीं चलता, लेकिन इस समय मार्केट ऐसा है नहीं। और लास्ट में इंडिया विक्स पे भी ज़रूर अपनी बात रखूँगा। इंडिया विक्स इस समय 12 के आसपास चल रहा है, हम ऑल टाइम लो जो विक्स का देख के आए हैं वो करीब 10.25 के आसपास है। एक बार इंट्राडे में हम 9 भी टेस्ट किया, बट 10 के आसपास मान के चलिए आप। अभी हमारे पास सारी अच्छी खबरें डिस्काउंटेड हैं, बुरी खबरों का दौर अभी हमने ना सुना ना जाना है ना देखा है। और अगर कुछ भी आता है तो मार्केट उस पर रिएक्ट ज़रूर करेगा, आप इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। फिर हम क्या करें सर, ये क्या आप डरा रहे हैं? डरा नहीं रहा मैं, सिर्फ आपको इतना बता रहा हूँ कि अगर आपके पास बाज़ार में तेज़ी है और अच्छे सौदे खड़े हैं, प्रॉफिट्स के साथ खड़े हैं, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लो। नहीं है तो प्रॉफिट बुक कर लो, वो भी नहीं कर सकते तो कवर कर लो, कवर भी नहीं कर सकते तो अपने सौदों को गहराई से वॉच करते रहो, जहाँ आपको फील गुड हो कि हाँ मेरे को बाहर से बाहर निकल जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए। बाज़ार को शॉर्ट करने का समय बिल्कुल नहीं है। खैर, फ्यूचर्स की प्लेट हम एक बार आपके स्क्रीन पर लेके आते हैं और उसके बाद फिर मजीत मिश्रा से आज कनेक्ट हो जाएंगे और उनसे ज़रा समझेंगे क्या करना चाहिए मार्केट में। पहले फ्यूचर्स की प्लेट दिखाते हैं। कल और परसों में 2-3 दिन में ये बाज़ार के अंदर ओपन इंटरेस्ट कम है, आज भी आप देख पा रहे हैं 1% भी नहीं है निफ्टी पे। कल का बता दूं तो कल का था 0.14%, अगर आप दोनों को भी जोड़ देंगे ना तब भी 1% का OI नहीं है। बैंक निफ्टी में थोड़ा ज़्यादा OI है, इसलिए आप उसकी रिकवरी, उसके मोमेंटम, उसके तेज़ी को, उसको आप फील कर रहे हैं, लेकिन आप निफ्टी को ज़्यादा फील नहीं कर रहे। दोनों में एक मेजर फर्क यह है कि बैंक निफ्टी डिस्काउंट पर है, फ्यूचर्स नहीं चल रहे, स्पॉट ऊपर से है 43 पॉइंट। अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी 43 पॉइंट ऊपर है भी तो फ्यूचर्स में वो फ्लैट है, क्योंकि डिस्काउंट खड़ा हुआ है। और ये आप रेयर देखते होंगे कि डिस्काउंट के साथ सीरीज शुरू हुई है, नहीं तो अमूमन प्रीमियम्स के साथ ही शुरू होती है। और बैंक निफ्टी के तो हालात ये रही थी पिछले कुछ महीनों में कि हमने 200-300 पॉइंट्स के प्रीमियम के साथ लेके आए हैं, तो इस बार हम डिस्काउंट के साथ सीरीज को शुरुआत कर रहे हैं। ये मेरा लिए पहला एक झटके वाला पॉइंट है, दूसरा विक्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं इन दोनों चीज़ों को फोर ग्रांटेड नहीं ले रहा, बस हाँ नज़र रखें हुआ। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, FIs का नंबर है। FIs 51% लॉन्ग के बाद वापस एक झटके में 45% हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि FIs अपना हाथ खींच रहे हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि FIs थोड़ा हेजिटेट ना करें वापस और अंदर आने में। अगर ये हेजिटेशन मार्केट के अंदर आती है तो फिर दिक्कत बढ़ेगी। अब हमको क्या करना है जरा ये समझने की कोशिश करते हैं। अजीत मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत सर, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए।
मेरे को ऐसा लगता है, मेरा अपना असेसमेंट है सर डाटा को देख के, मैं कोई भावनाओं में बहने वाला नहीं, बट मैं डाटा को देख के आपके सामने सारा पॉइंट रख रहा हूँ। मेरे को लग रहा है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना जरूरी नहीं सर, थोड़ा अति ज़रूरी हो गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि बाज़ार यहाँ से टूट जाएगा, भर भरा के गिर जाएगा। मेरा कहना है कि बाज़ार को चलने के लिए अब नई फोर्स, नई ऊर्जा की ज़रूरत है। कुछ इंडिकेटर्स थोड़े महंगे भी हुए पड़े हैं और थोड़े उल्टे सीधे रेट पर भी आ गए। तो आपका व्यू पॉइंट क्या है, सतर्कता किस लेवल की होनी चाहिए और हमको करना क्या है, बाय, सेल, होल्ड या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस? शुक्रिया डिम्पी। तो डिम्पी देखिए, मैं एकदम इत्तेफाक रखता हूँ आपके यू नो ऑब्जर्वेशन से। कंसिडरिंग बहुत सारे फैक्टर्स हैं बेसिकली यहाँ पे। तो देखिए, टोन में कोई चेंज होने वाला नहीं है, ये चीज पहली चीज की बहुत ज्यादा एग्रेसिव कोई सेलिंग दिख रही है वो चीज नहीं है। बट यस, ये जोन वही है जहां से आपने लास्ट टाइम डिस्ट्रीब्यूशन देखा था मार्केट में, 1800 1800 200 का बैंड। तो यहां तक जो जर्नी रही यू नो मार्केट की, 16800 से आप 1800 200 आ चुके हैं, एक्सेप्ट एक वीक का कंसोलिडेशन प्रॉफिट टेकिंग, अदरवाइज एक स्मूथ जर्नी रही है। यहाँ थोड़ा सा मार्केट का टाइम स्पेंड करना जरूरी है, कंसिडरिंग कि यही एक लास्ट लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन था। इसके बाद आप देखेंगे कि मार्केट आपको शायद रिकॉर्ड हाइज की तरफ बढ़ते हुए नजर आएगा। तो इन लेवल्स को होल्ड करना, डिसाइसिवली क्रॉस करना, उससे पहले कंसोलिडेशन का टोन पॉसिबली दिख सकता है। आज के सेशन में नो डाउट काफी ज्यादा रेजिलियंस दिख रही है, बैंकिंग थोड़ा सा बैकफुट पे है, बट यस, एचडीएफसी ट्विंस को अगर आप इग्नोर कर दें तो अदरवाइज आप देखेंगे जैसे आईसीआईसीआई एक्सिस, वहां पे थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग है, एचडीएफसी के नंबर है ऑब्वियसली, तो वहां पे ट्रैक्शन कंटिन्यू कर रहा है। देन वी हैव रिलायंस जहां पे की रिकवरी दिख रही है, टीसीएस जहां पे रिकवरी दिख रही है, क्योंकि मार्केट को स्टेबल कर रहे हैं। बट क्या ये सफिशियंट है मार्केट को नेक्स्ट लेग पे ले जाने के लिए? तो मुझे लगता है कि पहले एक हेल्दी कंसोलिडेशन की जरूरत है मार्केट में। तो यहाँ पे मैं भी यही कहूंगा कि आप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रखें। फ्रेश पोजीशंस के लिए मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट करना बनता है कि मैं यहाँ शॉर्ट की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, कंसिडरिंग कि हम केवल एक प्रॉफिट टेकिंग की बात कर रहे हैं, ट्रेंड रिवर्सल की बात नहीं कर रहे हैं। करीब दोबारा से आपको अगर 18,000 के लेवल्स मिलते हैं, 18,050 के लेवल्स मिलते हैं, करीब 100-150 पॉइंट नीचे, तो वो एक अच्छा बाइंग लेवल होगा। 17,850 मेरे हिसाब से की सपोर्ट है। तो यहाँ पे बाय ऑन डिप्स एज ऑफ नाउ, कीप ऑन ट्रेलिंग योर स्टॉप लॉसेस। अभी के हिसाब से मेरे हिसाब से 18,000 1850 का जोन है जो कि आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए बना हुआ है when it comes to the index. Meanwhile, stock specific रहिए, वहाँ पे across the board आपको opportunity मिल रही है, तो stock specific रहने में जहाँ ज़्यादा समझा रही है। दो हिस्सों में हमने आपके सामने बात रख दी है। पहला, इंडेक्स को आप बहुत बड़े मूवमेंट के लिए तैयार नहीं है, अब आपको रेंज में चर्न कराएगा, कॉल पुट दोनों वालों के पैसे खाएगा। दूसरी बात जो सर आपको बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक हो जाइएगा। नंबर्स का बेस्ट सीजन होता है स्टॉक स्पेसिफिक होने का, जब नंबर्स चल रहे हो तब इंडेक्स को छोड़कर एक महीने के लिए स्टॉक्स चुनने चाहिए, फिर आप आ जाओ फिर से इंडेक्सेस पे। अगर किसी को इंडेक्स बहुत प्यारा लगता है तो एक महीने के लिए इंडेक्स को थोड़ा सा वो कम कर दे और अपना बड़ा हिस्सा स्टॉक्स की तरफ ले आए, क्योंकि नंबर्स का रिएक्शन आता है। खैर एनी हाउ, लेकिन फिर भी हम आपके लिए टारगेट स्टॉप लॉस रख रहे हैं 18,250 18,050। ये दोनों लेवल्स दोनों लोगों के लिए हैं। अगर मैं इसका जस्ट उल्टा कर दूँ ना तो ये स्टॉप लॉस भी बन जाएगा और स्टॉप लॉस मेरा टारगेट हो जाएगा। तो किसी को अगर बेचना है तो 18,250 का स्टॉप लॉस लगा के बेचो, तो टारगेट आपका 18,050 आएगा। किसी को खरीदना है तो 18,050 का स्टॉप लॉस लगाओ, तो 18,250 आएगा। दोनों को काम करना है, कर सकते हो, लेकिन रहोगे इसी रेंज में, 200 पॉइंट की रेंज के अंदर। इसलिए से 200 पॉइंट को जैसे आपको ठीक लगता हो आप काम कीजिए, ऊपर से और नीचे से जब तक ब्रेक नहीं होता मार्केट तब तक कोई बड़े लेवल्स इंडेक्सेस के अंदर नहीं आएंगे। इसलिए आप इंडेक्सेस को छोड़ना चाहें, कहीं घूम के आना चाहें, कोई काम है आपको तो भले आप कर लीजिए, जब ये ब्रेक हो जाएंगे तब मार्केट में वापस आ जाइएगा। सर बैंक निफ्टी पे आप कुछ लेवल्स बताओगे? सर कुछ इसी तरह के 43,000 43,500 रख दें, यही रेंज? बिल्कुल, देखिए 43,500 के ऊपर आपको नया हाई बनेगा बैंकिंग इंडेक्स में, और हम सबको पता है कि जिस तरीके की आउट परफॉर्मेंस रही है बैंकिंग इंडेक्स में, अब थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है जिस तरीके की कैंडल्स हैं, आप 3-4 दिन की कैंडल्स देखिए, कुछ खास डिसाइसिव कैंडल्स नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं अर्ली साइन ऑफ एग्जॉशन होता है। और की रेजिस्टेंस के पास 43,500 के पास ये चीजें हो रही है, तो पॉसिबिलिटी ये है कि एक कंसोलिडेशन यहाँ पे भी बनता है, और सिलेक्टिवली बट यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज दिख रही है। जैसे कि एचडीएफसी ट्विंस की मैं बात कर रहा था, वहां पे मुझे दिख रहा है कि अभी भी ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, बट साथ ही साथ आपको आईसीआईसीआई एक्सिस में प्रॉफिट टेकिंग दिख रही है। तो इंडेक्स में मुझे लगता है 43,500 कंटिन्यू रहेगा एक रेजिस्टेंस के लिए, वहीं नीचे पे 43,000 से लेकर 41,800, ये एक 42,800 ये जोन काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्रैक करेगा। तो डिप में ही, यहाँ पे भी मेरी रिकमेंडेशन है कि डिप में ही बाय करें,
अभी अगर आपके पास इंडेक्स में लॉन्ग है तो बेटर है कि एक बार को आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या फिर एक छोटा सा स्टॉप लॉस ट्रेल करके 43,100 पे ले आइए एग्रेसिवली, और वो कटता है तो फिर आप एग्जिट कर लें। कहते हैं ना जो ट्रेंड होता है वही आपका फ्रेंड है। फिलहाल ट्रेंड कुछ नहीं करने का, अगर आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो कर लीजिए। अगर हम आपके लिए एक प्लेट भी बना के लेके आ जाते हैं, प्लेट आप वैसे ही बनाइएगा, आप उसके अंदर ना होल्ड डाल दो, बाय की जगह आप होल्ड डाल दो, और टारगेट लिख दो 43,500, स्टॉप लॉस लिख दो 4,300, 43,000। तो आपके लिए दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हो गए, जिसको शॉर्ट करना है वो कर लेना, कोई मना थोड़ी हमारी तरफ से। 43,500 का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट कर लो, 43,000 तक आप आ जाओगे, 300-350 पॉइंट मिल जाएंगे आपको। आपको प्लस करना है प्लस करो, आपको जैसे ठीक लगता हो, लेकिन एक रेंज मोटा मोटी आपको हमने बता दी, वहाँ पे 18,250 ऊपर है, यहाँ पे 43,500 ऊपर है, वहाँ पे 18,050 आपका स्टॉप है, यहाँ पे 43,000 आपका स्टॉप है। बस ये आपके लिए हमने पॉइंट क्लियर कर दिया। अब हम आ जाते हैं थोड़ा आगे, स्टॉक्स की तरफ बढ़ते हैं, और आज के तेज़ी वाले शेयर आपकी स्क्रीन पर आएंगे। वो शेयर हमने निकाले हैं आपके लिए, एक तो LIC हाउसिंग फाइनेंस है, टिपिकली थोड़े फाइनेंस और इंश्योरेंस के शेयर्स चल रहे हैं, और दूसरा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़, थोड़ा क्रूड का इम्पैक्ट भी है, थोड़ा ऑटो के सेल्स के नंबर ठीक आए इस बार, उसका इम्पैक्ट भी है, और इनकी थोड़ी कॉस्टिंग भी ठीक हो रही है रबर के प्राइजेस के अकॉर्डिंग। तो इसलिए तीन फैक्टर हैं, इसलिए बालकृष्ण भी आ गया आज ताज़ा खरीदारी की लिस्ट में। ज़रा चेक कर लीजिएगा, फ्यूचर्स की प्लेट हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। बिल्कुल टिम्पी, देखिए दोनों ही स्टॉक्स ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। LIC इनफैक्ट इस हफ्ते करीब 6.5% की गेन ऑलरेडी कर चुका है, बट मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको अपसाइड थोड़ा सा कैप दिखेगा, बिकॉज 375 से लेकर 380 का जोन है, वहां में मुझे मल्टीपल रेजिस्टेंस नजर आ रहे हैं, बोथ इन प्राइस चार्ट एंड एज वेल एज जो आपकी एवरेजेस हैं वो भी कोइंसाइड कर रही है। तो मेरे हिसाब से ये रीबाउंड आपके लिए एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज काफी टाइम तक ये अंडर परफॉर्म कर रहा था ये स्टॉक। तो ये अगर आपके पास फंसा हुआ है पोजीशन तो एक बार 380 के पास आपको एग्जिट करना चाहिए इंस्टेड ऑफ लाइक लुकिंग फॉर लॉन्ग ट्रेड। बालकृष्ण जैसे कि अभी डिम्पी ने शेयर भी किया कि क्रूड के गिरने से जो बेनिफिट मिल रहा है अक्रॉस द टायर्स पे, जिस तरीके से हमने देखा है अपोलो टायर्स रिकॉर्ड है, जो बेस्ट काउंटर अपोलो टायर्स है, फॉलोड बाय जेके टायर्स बालकृष्ण, जहां पे कि आपको ट्रैक्शन कंटिन्यू है। तो बालकृष्ण में डेफिनेटली यहाँ पे आप अटेंड कर सकते हैं लॉन्ग पोजिशन 2100 के स्टॉप लॉस के साथ, और एक गैप है बेसिकली जो डेली चार्ट पे आप देख पा रहे होंगे करीब 2250 से लेकर 2270 का जो बैंड है, वो एक गैप को फिल करने की कोशिश अटेम्प्ट कर सकता है ये। तो रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल है 2100 के स्टॉप लॉस के साथ, करीब 2225 से 2250 तक के टारगेट्स के लिए बालकृष्ण को आप लॉन्ग कर सकते हैं। ओके ठीक है, तो बालकृष्ण के टारगेट स्टॉप लॉस हम आपकी स्क्रीन पर लेके आ गए, 2250 और 2100 का एक स्टॉप लॉस है। LIC हाउसिंग में थोड़ा देख कर काम करने की जरूरत है, इसलिए अगर आप छोड़ना चाहें तो भले छोड़ भी सकते हैं, लेकिन इन दोनों शेयर में से जो ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ठीक है, थोड़ा सिस्टमेटिकली भी ठीक लग रहा है, थोड़ा जिसमें पोजिशनिंग ज़्यादा ठीक लग रही है, वो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज है। ये वर्सेस है LIC के जो दो शेयर का हमने चुनाव किया था। इसका मतलब ये नहीं है कि और शेयर ख़राब है, हमारी थोड़ी लिमिटेशन है, हम दो तीन शेयर ही पूछ सकते हैं, इससे ज़्यादा पूछेंगे तो फिर पूरा दिन निकल सकता है, क्योंकि 190 से ज़्यादा शेयर है वायदा बाजार में। तो इसलिए दो शेयर जो छांट के लाए थे उसमें से एक पास हो चुका है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़। अब शॉर्ट कवरिंग के दो शेयर ढूंढ के लेके आए, पहला है जुबलेंट फूडवर्क, सर एक बार जरा इसको भी चेक करना है, कल भी चल रहा था। दूसरा BPCL, इसका भी कनेक्शन क्रूड के साथ ही है, आप इन दोनों को जरा और चेक कर लो। जुबलेंट फूड तो भी काफी अच्छी करेक्शन ऑलरेडी देख चुका है, मतलब 2021 अक्टूबर में मैं देख रहा हूँ कि करीब 900 के रेट थे, और आप 400 के रेट तक भी टेस्ट करके आ चुके हो। पिछला करीब दो तीन महीने का अगर आप देखेंगे तो एक राउंड इन्फॉर्मेशन आपको डेली चार्ट पर नजर आएगी, इसका एक ब्रेकआउट हो रहा है। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको एक ट्रैक्शन कंटिन्यू होते हुए नजर आना चाहिए। स्टॉप लॉस भी छोटा रहेगा मेरे हिसाब से, 460 आपका स्टॉप लॉस रहेगा, करीब 490-500 ये लेवल्स टेस्ट होने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेंड रिवर्स कर रहा है, बट ये शॉर्ट टर्म रीबाउंड डेफिनेटली यहाँ पे प्ले करता हुआ दिख रहा है। BPCL ऑन दी अदर हैंड कंपैरेटिवली बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, मींस OMCs ग्रेजुअली आप देख रहे हैं कि अब राइज दिखा रहे हैं, नो डाउट इनके रिट्रेसमेंट भी बहुत शार्प हैं। तो ये एक फैक्टर जरूर है कि थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है कि आपको थोड़े स्टॉप लॉसेस डीपर बनेंगे। तो अभी के हिसाब से जैसे 360 के अराउंड में आपका एक स्टॉप बनता है अगर BPCL में लॉन्ग जाते हैं तो, और ऊपर भी करीब 385-388 ओरिजिनल ये टारगेट बनते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे फेवरेबल दिख रहा है, दोनों ही रिकमेंडेशन होगी कि आप पॉजिटिव साइड की पोजिशन ओपन कर सकते हैं विद गिवन स्टॉप। ओके ठीक है, तो दोनों के लेवल्स आपके स्क्रीन पर आ गए हैं। आप जुबलेंट फूडवर्क को भी देख सकते हैं, हालांकि काफ़ी दिनों से शेयर पिट रहा है, लेकिन धीरे धीरे जब सिस्टम में से शॉर्ट्स को निकालता है, कोई भी शेयर जब हाथ बदला करेगा ना तो पहले शॉर्ट्स को बाहर करेगा फिर फ्रेश लॉन्ग लाएगा,
फ्रेश लॉन्ग शेयर के अंदर हमेशा ग्रोथ आती है, शेयर टूटने वाला जो होता है उसके बाद जो रिकवरी आती है उसको शॉर्ट कवरिंग से ही मापा जाता है। ये आपने फील किया होगा 16,800 से जब आप ऊपर आए हैं तो आप शॉर्ट कवरिंग की बदौलत ज़्यादा आए हैं बजाय खरीदारी के। आपकी ग्रोथ तो शुरू ही एक्चुअली में 17,800 के ऊपर से हुई है, टिल 16,800 से 17,800 तो शॉर्ट कवरिंग ही थी। ऐसे जुबलेंट के अंदर पहले होगा अगर इसको शेयर को चलना है, पहले शॉर्ट कवरिंग के बदौलत ही ऊपर आएगा, फिर ये ग्रोथ दिखाएगा तो इसके अंदर लॉन्ग आएगा। ठीक है, तो दोनों के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर है, आप नोटिस कर सकते हैं। कुल मिला के हमने चार शेयर लेके आए थे, तीन शेयर्स के टारगेट स्टॉपलॉस रख दिए हमने आपके सामने। इसका रिपोर्ट कार्ड हम कल आपके सामने लेके आएंगे जिन शेयर्स का स्टॉपलॉस और टारगेट आपको मिल रहा है। इसी जगह पर हमारा तेज़ी का सेगमेंट ख़त्म होता है। अब हम शुरू करेंगे मंदी के सेगमेंट को, तो फ्रेश शॉर्ट्स पोजीशंस अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सर, शॉर्ट्स वाले शेयर में हमने ढूंढा एक तो टाटा केमिकल्स, हालांकि बड़े दिल पे पत्थर रख के हम टाटा केमिकल्स को शॉर्ट दे रहे हैं, हम देना नहीं चाहते थे क्योंकि शेयर इस जगह पर आके जिसे कहते हैं ना, ये भी ट्राई कर रहा है कि मैं अपनी गिरावट को रोक दूं, लेकिन फिर भी डाटा उतना पॉजिटिव नहीं मिल रहा। दूसरा है महानगर गैस MGL, इन दोनों शेयर्स को एक बार जरा चेक कर लीजिए आप। तो डिम्बी देखिए, जो आप कह रहे हैं टसल वो टसल एक्चुअली में चल रही है। अगर आप प्राइस को देखेंगे टाटा केमिकल्स के तो ऑलमोस्ट 920,040 इसी बैंड में आपको स्टॉक नजर आएगा, ट्रेड करते हुए ऑलमोस्ट 4-5 महीने हो गए इस बैंड में। तो मेरे हिसाब से अभी तक अवॉइड कर सकते हैं। अंडर परफॉर्मेंस की अगर आप बात करें तो डेफिनेटली ये अंडर परफॉर्म करेगा जो इंडिकेशंस हैं चार्ट की तरफ से, कि यहाँ पे कोई बहुत स्ट्रॉन्ग मूव देखने वाला नहीं जब तक कि आप 1040 को डिसाइसिवली ब्रेक करते हैं, और 920 के नीचे गए तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको प्रेशर और बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो एज ऑफ नाउ इट्स एन अवॉइड, यहाँ पे आप कोई भी फ्रेश पोजिशन ना इनिशिएट करें। एग्जिस्टिंग कोई पोजिशन है तो आपको अपर बैंड के पास एग्जिट करने के बारे में ही सोचना चाहिए। शॉर्ट्स के लिए 920 का ब्रेक का ही वेट करें, उससे पहले इनिशिएट ना करें। अब जो दूसरा शेयर डिपी आपने बताया था वो था महानगर गैस, तो वहां पे डेफिनेटली मुझे लगता है कि एक यू नो प्रॉफिट टेकिंग की पोटेंशियल दिख रही है, कंसिडरिंग कि अभी तक यू नो काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था फ्रॉम 822 करीब 1020 शॉर्ट टर्म एवरेजेस के नीचे आज ये स्लिप हो रहा है, तो हो सकता है कि ये प्रॉफिट टेकिंग एक्सटेंड हो, करीब 960-950 तक के लेवल्स आपको देखने को मिले। तो यहाँ ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं, मेरे हिसाब से 1005 ये आपका स्टॉप रहेगा करीब 20 रुपया नीचे ऊपर, और वहीं पे आप 950 तक के लेवल्स के लिए शॉर्ट पोजीशंस यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं इन MGL। ओके ठीक है, तो आपने दोनों शेयर्स के बारे में बता दिया है, MGL के बारे में और साथ ही टाटा केमिकल्स। टाटा केमिकल्स को छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, जैसे हमने शुरुआत में भी कहा टसल चल रही है। अच्छा, ये पता कैसे लगता है कि टसल चल रही है? आप ना प्राइस के एक्शन को देखो, दो ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फर्स्ट वॉल्यूम, दूसरा प्राइस। पहली एक शरीर, एक दूसरी आत्मा, बस यही है दो चीज़ शरीर में और सब गौण है। तो फर्स्ट वॉल्यूम एंड सेकंड इज प्राइस। ये शेयर्स में अगर जैसे ऊपर नीचे, अच्छा आप जो फ्यूचर्स वाली प्लेट देख रहे हैं ना, इसमें भी आपको वैसे ही दिखेगा। हमने कुछ डिज़ाइन ऐसा किया कि आपको OI भी दिखे, प्रीमियम भी दिखे और प्राइस भी दिखे। तीन ही चीज़ फ्यूचर्स में मोटा मोटी देखने की होती है। देखने के लिए ऑप्शंस भी चाहिए, ऑप्शंस की चेन भी, बट फिर भी ठीक है, चलिए इतना हम डीप नहीं जाते, तो मोटा मोटी तीन चीज़ें तो हम देख ही लें। ऐसे अगर आप टाटा केमिकल्स को चेक करेंगे ना, तो पिछले 5-7 दिनों के अंदर आपको टसल का भाव जरूर दिखेगा। ये एक ही जगह पर आके रुक गया है, 1000-1020 के ऊपर जा नहीं रहा, 1960 के नीचे आ नहीं रहा। इसके बीच में अच्छी बुरी खबरें दोनों डिस्काउंट कर रहा है, और OI हाई है 28%। इसके मुकाबले में एक बार आप महानगर गैस की भी यही फ्यूचर की प्लेट दिखा सकते हैं, आप देखेंगे वहाँ पर OI इतना नहीं होगा। हालांकि मैंने अभी देखा नहीं, बट अगर आप चेक करेंगे तो आपको दिखेगा। यस, देखिए आप, यहाँ पे सिर्फ 1.5-2% है, वहाँ पे 28% है। खुले सौदे इतने हैं कि किसी भी शेयर को किसी भी डायरेक्शन में ले जाने के लिए कैपेसिटी रखते हैं। वेट एंड वॉच की है टाटा केमिकल्स में, सौदा अच्छा बनेगा जब भी बनेगा। फिलहाल MGL से काम चलाइए, इसको शॉर्ट कर सकते हैं आप। अब आते हैं जरा अनवाइंडिंग के शेयर्स पे, कुछ हमने और अनवाइंडिंग के शेयर्स भी निकाले हुए हैं। उसमें सर एक तो मैरिको और दूसरा मन्नापुरम है। मन्नापुरम को अगर आप छोड़ना भी चाहें तो भले आप छोड़ भी सकते हैं क्योंकि 2 दिन से पिट रहा है शेयर। मैरिको चेक कर लो सर, इसमें कितना दम लगता है अनवाइंडिंग का। मन्नापुरम तो हम ही छोड़वा देते हैं आपसे। बिल्कुल डिम्बी, देखिए मैरिको एज अ डिस्क्लोजर, ये हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड भी किया है ऑफ लेट, कंसिडरिंग कि FMCG एज अ बास्केट ये अपने रिकॉर्ड हाइज पे है। ITC ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, ब्रिटानिया ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। अब देख रहे हैं कि ग्रेजुअली थोड़ा सा डाबर में, HUL में भी एक रिकवरी देखने को मिल रही है, एंड सिमिलर काइंड ऑफ अट्रैक्शन मन्नापुरम पे भी आपको देखने को मिलेगा। ऑफ लेट इसने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ही अपने ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया है ऑन द डेली चार्ट, तो मुझे लगता है ये एक डिप बाइंग अपॉर्चुनिटी है इंस्टेड ऑफ गोइंग शॉर्ट।
जब तक कि 490 के ऊपर है तब तक इसमें लॉन्ग पोजिशन इनफैक्ट आप बना के रख सकते हैं, करीब 510-515 ये आपके इमीडिएट टारगेट होंगे। ओके ठीक है, तो मेरिको का आपके लिए टारगेट स्टॉप लॉस के फॉर्म में आ गया। अब अजीत सर आप अपनी जरा ट्रेडिंग कॉल्स बता दीजिए, हमने जो पूछना था पूछ लिया, अब आपकी ट्रेडिंग कॉल्स की बारी है सर। बिल्कुल डिम्पी, तो देखिए जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, तो ब्रॉडर मार्केट्स में भी काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है और मुझे लगता है कि इस तरीके के अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती रहेंगी। पहला नाम होगा एबी कैपिटल्स का, काफी एक यू नो नैरो रेंज में एक स्ट्रेंथ का वाला एक पैटर्न फॉर्म करके वहां से एक ब्रेकआउट देखने को मिला है हाल फिलहाल में इसमें एबी कैपिटल में। मुझे लगता है कि नियर टर्म में करीब करीब 182-185 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, तो यहाँ पे आप लॉन्ग कर सकते हैं 167 के स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा मुझे लगता है कि अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स में से देखिए एनर्जी और आईटी में काफी अच्छी रिकवरी ऑलरेडी देखने को मिल गई है, अब मुझे लगता है मेटल में भी एक रिकवरी देखने को मिलनी चाहिए। तो हाल फिलहाल देख रहे हैं कि थोड़ा सा यू नो वॉलिटिलिटी जरूर है, बट टाटा स्टील में एक आपको बहुत क्लियर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर नजर आएगा यू नो डेली चार्ट पे। उसने उसके ब्रेकआउट के साथ साथ अपने एवरेजेस के ऊपर भी क्रॉस कर दिया है, तो सारे इंडिकेशन ये है कि एटलीस्ट नियर टर्म में आपको 115-116 तक के लेवल टाटा स्टील में देखने को मिल जाएंगे, तो यहाँ पे 109 के स्टॉप लॉस के साथ आप लॉन्ग पोजीशन करिए। ओके ठीक है, तो एक टाटा स्टील आप बता रहे हैं कि 115 रुपये तक का टारगेट है, 109 का। सर कोई ऑप्शन का सौदा है क्या? है तो फिर बता दीजिए, नहीं तो अगर ये चर्न ही होना इंडेक्स की वजह से तो फिर हम छोड़ भी सकते हैं, जोर जबरदस्ती नहीं है, है तो बताइएगा। देखिए ऑप्शंस में मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए, जैसे कि खासतौर से मैं स्टॉक ऑप्शन में मैंने ऑनेस्टली अभी तक उतना ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, एक्सेप्ट मैंने फोकस मारुति पे था, तो मारुति को मैं डेफिनेटली देख रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे को लगता है कि कैचअप मूव आना चाहिए, तो 8800 वाली कॉल जो कि अभी मेरे स्क्रीन पे नहीं है वो आप देख सकते हैं। अगर स्पॉट की बात करें तो 8790 पे चल रहा है, तो यहाँ पे आपको 8740 के स्टॉप लॉस के साथ वो 8800 वाली कॉल आप ले सकते हैं। मुझे लगता है कि नेक्स्ट लेग में करीब 8980-9000 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं इसमें। 8800 वाली मई वाली कॉल के सर मैं रेट बताऊं अभी चल रहा है 147, और अगर आप इसमें हमारी हेल्प कर पाएं, इसका आज का हाई प्राइस है 163, 147 पे चल रहा है और आज का लो लगा हुआ 135 का, ये सर आपकी स्क्रीन पर आ गया है, एक बार जरा आप देख के बता सकते हैं अब इसका टारगेट स्टॉप लॉस क्या लगाएं? बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे मेरे हिसाब से आप 120 का एक स्टॉप रखिए और ऊपर में करीब 210-220 ये आपके टारगेट होने चाहिए इसमें। 120 का स्टॉप लॉस और 210-220 आप कह रहे हैं टारगेट रख सकते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पे हमने टारगेट स्टॉप लॉस भी नोट कर लिया है, ये 8800 की कॉल है। सर चलते चलते ना एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, ये थोड़ा जैकपॉट टाइप हो भी हो सकता है, मैं खुलम खुल्ला ये नहीं कह रहा कि बाज़ार यहाँ से वीक हो सकता है वापस या प्रॉफिट बुकिंग आएगी, लेकिन मेरे को एक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से एक बेहतर चीज़ लगती है सर, 43,500 की एक पुट है बैंक निफ्टी की, आप ज़रा स्क्रीन पर दिखा सकते हैं, 43,500 की 11 मई वाली चुनना, हाँ आज वाली मत चुनना, आज वाली चुनोगे तो ख़त्म हो जाएगा गेम, 11 मई वाली सर ये चल रही है 337-338 रुपये में, एक बार आप ज़रा इसका रिस्क रिवॉर्ड चेक करके बताएंगे। मैं अपना स्टॉप लॉस जो रखूंगा वो 43,500 स्पॉट का रखता हूँ, जस्टिफाइड है सर रख सकते हैं, 337 रुपये की मिलेगी। देखिए डिब्बी मेरे हिसाब से यहाँ पे जिस तरीके से, क्योंकि एचडीएफसी के हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मेरे हिसाब से आपको एक बार 270-280 के लेवल पे मिलता है शॉर्ट करने के लिए, तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, या फिर अगर यहाँ पे आप करते हैं तो ऑब्वियसली आपको 310 का एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना पड़ेगा, तो स्टॉप लॉस के हिसाब से अगर आप कंफर्टेबल हैं जितना 300 के रेंज के पास शॉर्ट करेंगे इस कॉल को उतना बेटर अपॉर्चुनिटी होगी। ओके डन सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, वो ट्रेड नहीं करते फिर हम अब, क्योंकि आपका भी कन्विक्शन उतना नहीं बैठ रहा, अभी एचडीएफसी के नंबर्स भी बीच में आके फंस रहे हैं, तो जहां पे थोड़ा भी डाउट हो लीव इट, वो एरिया ही छोड़ देना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आज अपने